नमस्कार, गुड इवनिंग, जय श्री राम। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सिंह बोरा ब्लॉग्स पे। दोस्तों, 7:15 हो गए हैं, रामलीला का आज है 10वां दिन। आज होगा मेघनाथ मरण और कुंभकर्ण मरण, तो मैं तैयार हो लेता हूँ जल्दी से, और जाना है मुझे प्रार्थना में, तो ले चलते हैं आपको रामलीला स्टेज की ओर। फाइनली दोस्तों, आप देख रहे हैं कि मैं तैयार हो चुका हूं। जो 8वें और 9वें दिन का वीडियो था वो आ नहीं पाया, क्योंकि दोस्तों यहां लाइट नहीं थी और नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है। डालने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, आ जाएगा। तो दोस्तों, अब मैं ले चलता हूं आपको मेकअप रूम और रामलीला स्टेज में, तो चलते हैं और प्रार्थना का भी टाइम हो रहा है। दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूँ रामलीला स्टेज के जस्ट ऊपर। देखिए, भजन लगे हैं, अभी तैयारियां चली, थोड़ी देर बाद स्टार्ट हो जाएगा। और पहुंच चुके हैं मेकअप रूम में। देखिए, उपाध्यक्ष साहब हमारे बैठे हैं और अध्यक्ष साहब भी बैठे हैं, और तैयारियां चल रही जोर शोर से, और राम जी के मेकअप किया जा रहा है। लक्ष्मण जी ने अभी तैयार नहीं हुए हैं। ये हमारे हैं पारतोष, खोली से आए हैं काफी दूर से रामलीला देखने के लिए। ठीक है, दुकान जाना है, दारू
पीवे। तुम खाओ, मुझे बताने का क्या कारण है? सब रंगे श्रावण कुंभकर्ण से भाषा बदलो। जगत माता सीता को क्यों और सुना दिखाते हुए लंगे सामने से सौभाग्य कुंभकर्ण युद्ध क्षेत्र की ओर बढ़ता है। कुंभकर्ण की मैंने भी लंकेश्वर को समझाने की चेष्टा की, लेकिन वो अकाल में फंस गया है। उसके सिर तो काल नहीं था, किसी की मानने वाला नहीं है, किसी के सिखाने वाले वाला नहीं है। इसलिए राजा तुम धन्य हो, कुल के विभूषण हो, और साथ ही कह रहे हैं कि मन कर्म वचन कपट नदी, मन कर्म वचन अपने संग में कपट को त्याग करके, योग मोह को त्याग करके तुम रघुवीर को हमेशा भजन करो, और इसी में तुम्हारा कल्याण है। हिरण्यकश्यप का तो भगवान ही मालिक है। मैं शीघ्र जाकर सभी राक्षसों का बदला लेता हूँ।
वानर पांडव सहित चौनू तपस्या को पूर्ण होता और सरकार आज्ञा लेकर के आज्ञा लेकर के मेघना धन गर्जन करते अपने नाम बता के बालू की बरसा और अपने आयु करते हुए सुलोचना द्वार में
समाज लगाकर आप लोग प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार
मैं भी आपको प्राप्त हो। तब रामचंद्र अपनी बाणी सेना से कहते हैं कि सुग्रीवाज पर तुम यथाशीघ्र सुलोचना के विरोध को पूर्ण करके इसके पति के शीष को दे दो। तब भानुना भी आपस में कहते हैं कि महाराज अंदर युद्ध क्षेत्र में तो हजारों हजारों राक्षस मारे, इसके पति का शरीर कौन है हम यह नहीं जानते, जो हमारे चरणों में है वह कैसे कह रहे कि मेघनाथ का सिर है। तब सुलोचना रामचंद्र जी से प्रार्थना करती हुई अपने कटे हुए पति के शीष से भाषा लगे। हे शीश, यदि मैं शत्रुघ्न नारी हूं तो कटने के बाद भी हंस दो। तब इस प्रकार कटे हुआ शीश जब हंसता है तब रामचंद्र जी के दिल में विश्वास हो जाता है। तब शीश को सती सुलोचना को देते हैं, सुलोचना उस शीश को लेकर के फाइनली दोस्तों दसवां दिन रामलीला का यहीं पर समाप्त होता है। कैसे लगी आज की रामलीला कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। कमेंट तो आप कर नहीं रहे हो, लाइक भी नहीं कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हो, पता नहीं क्या बात होगी। तो दोस्तों रिक्वेस्ट है आपसे, तो प्लीज लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मिलते हैं कल 11वें दिन, कल रास तिलक है, तो कल अच्छा कर दीजिए। टाटा बाय बाय, जय श्री राम।